बिहार के लोगों को एक नई सौगात मिलने जा रहा है तेजस एक्सप्रेस के रूप में। तेजस एक्सप्रेस को तैयार किया जा रहा है अभी, और आज इस पर पहली बार बिहार के लोग पटना से नई दिल्ली के बीच यात्रा करेंगे। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, राजेंद्र नगर से चलकर नई दिल्ली तक जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस आज से तेजस एक्सप्रेस में बदलने जा रहा है। जी हाँ, वही ट्रेन है जो सच धज के तैयार है, और आज शाम इस ट्रेन पर आप भी हमारे साथ यात्रा करेंगे, क्योंकि आज के इनॉग्रल जर्नी में हम आपको लिए चलेंगे इसी ट्रेन में। इसको सजाया जा रहा है, तैयारियां हो रही है, बिहार को एक बेहतर ट्रेन, कहिए तो एक आधुनिकतम ट्रेन मिलने जा रहा है, जिससे यहाँ के लोग भी सुखद और मंगलमय यात्रा का अनुभव कर पाएगा। ये ट्रेन दूसरे ट्रेन के श्रेणी से कैसे अलग है, क्या क्या विशेष सुविधाएं इसमें मिलने जा रही है, इस वीडियो में हम आपको अंदर लिए चलेंगे, पूरी जानकारी देंगे, बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले क्या बदला है इस ट्रेन में? अगर सबसे पहले कुछ बदला है तो इसका नाम राजेंद्र नगर तेजस राजधानी स्पेशल हो गया है। जो पहले से राजधानी स्पेशल था उसके नाम में तेजस जुड़ गया है। ये ट्रेन का नंबर वही है 2309 और 2310, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन इसके नाम के साथ में तेजस जुड़ गया है। इसके साथ में और कई सुविधाएं इसमें जुड़ गया है जो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले जब आप ट्रेन में सवार होने के लिए आएंगे तो ये ऑटोमेटिक गेट जो है इससे आपका दर्शन होगा या पाला पड़ेगा, क्योंकि ये तभी खुलेगा जब स्टेशन में गाड़ी खड़ी होगी, और गाड़ी के खुलने से पहले ये गेट बंद हो जाएगा। आपको अंतर बताएं, यहाँ दूसरी ट्रेन है, इसमें देखिए हैंडरेल इस तरफ से है, इसको पकड़ करके आप चढ़ते हैं, और सामान्यतः इस ट्रेन में कहीं भी बाहर से हैंडरेल नहीं है, इसके अंदर से हैंडरेल लगा है जिसको आप पकड़ करके चढ़ेंगे। ये ट्रेन बंद हो जाएगी, इसका गेट बंद हो जाएगा, तो इसमें आप कहीं से भी चढ़ नहीं सकेंगे, और जो चलती ट्रेन में लोग चढ़ने का कोशिश करते हैं जिसके कारण कई दुर्घटनाएँ होती है, उससे लोगों को बचाया जा सकेगा। अब आपको हम अंदर लिए चलते हैं, इसकी दूसरी खूबियां बताते हैं। सबसे पहले अगर घुसेंगे तो इस ट्रेन के अंदर ये सिक्योरिटी के लिए यहाँ सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, और ये दो सीसीटीवी कैमरे हैं जो दोनों गेट को कवर करता है जो इसमें लोग आएंगे। इसके अलावा इस सीसीटीवी कैमरे के बीच में यहाँ देख लीजिए इस पॉइंट पर ये वाला, ये जो है फायर जो है अलार्म है, जब भी यहाँ कोई सिगरेट पिएगा या कोई धुआं होगा तो इससे अलार्म बजेगा और ट्रेन खड़ी हो जाएगी, ब्रेक लग जाएगा। ये दूसरा फीचर है इसका। तीसरा जो सबसे बड़ा बदलाव है इस ट्रेन में वो हम आपको लिए चलते हैं, इसका टॉयलेट। इसमें भी वैक्यूम सिस्टम से लैस है ये टॉयलेट, ये जैसे ही आप फ्लश करेंगे तो ये फ्लश जो है ना वैक्यूम की तरह जो है सक करेगा नीचे, जैसे कि एरोप्लेन में होता है। बाकी जो चीज़ें हैं ट्रेन में, ये देखिए जेट स्प्रे लगाया गया है, बाकी जो मग्गा एक रखा होता था सामान्य तरह के टॉयलेट में ठीक उसी तरह का है। ये हैंडरेल दिया गया कि ताकि लोग जब टॉयलेट यूज करें तो इसको पकड़ के बैठ पाएँ, और इस तरफ में देखिए ये बेसिन है जो पूरी तरह से जो पुराने राजधानी में था पूर्ण ठीक उसी तरह का, इसमें टॉयलेट नल जो है वो कुछ मॉडर्न नल लगा है, और बाकी ये हैंड वॉश उसी तरह का है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। यहाँ जो ग्लास है वो पुराने ग्लास के तरह का ही है, और इसमें जो है नॉन ट्रांसपेरेंट ग्लास लगा है जो कि बाहर से अंदर दिखाई ना दे। इसके अलावा ये लॉकिंग सिस्टम है इसमें जो पहले की तरह ही है, उसमें कोई बदलाव नहीं है, लेकिन बदलाव सिर्फ अगर हुआ है इसका टॉयलेट सिस्टम पूरी तरह से जैसे एरोप्लेन में होता है वैक्यूम सिस्टम वाला उस तरह का हो गया, जिससे क्लीननेस आपको ज़्यादा मिलेगा। टॉयलेट है, टॉयलेट को बिल्कुल बदल दिया गया है, टॉयलेट में जो है वैक्यूम प्रणाली से लैस कर दिया गया है जो एरोप्लेन में आप मुख्यतः देखते हैं। इसके अलावा हम आपको लिए चलते हैं इस बॉगी के अंदर, ये फर्स्ट एसी का कंपार्टमेंट है जिसको हम दिखाना चाहेंगे आपको, बिल्कुल दूसरे ट्रेन से इसको अलग बनाया गया है और कंफर्टेबल है ये, तो चलिए इसमें हम लिए चलते हैं। ये एक कुप्पी है, चार सीट है इसमें, 7, 8, 9 और 10। देखिए किस तरह से इसमें ऊपर जो सीट है वो सामान्य ट्रेन से थोड़ा ज़्यादा चौड़ी है, और यहाँ ऊपर के यात्रियों को चढ़ने के लिए एक सीढ़ी बनवाया गया है जिससे कि आसानी से लोग ऊपर चढ़ सकें। तीसरा जो है इसमें हर विंडो पर जो है इस तरह का जो है कर्टन लगाया गया है, जो कोविड के कारण जो कर्टन्स इधर से दोनों तरफ से लगता था वो हटा देने के बाद ये एक अलग टाइप का कर्टन इसमें लगा है, जिसको आप लगा करके नीचे इस तरह से इसमें जो है देखिए ये लॉक हो जाएगा, इसे ऐसे कुछ इस तरह से बना है।
अच्छा जो इसमें है फर्स्ट एसी में कि नीचे से ऊपर चढ़ने के लिए एक सीढ़ी का निर्माण इसमें कराया गया है। और यहाँ देखिए फायर अलार्म है, जिसके जब भी कभी फायर होगा तो यहाँ अलार्म बजने लगेगा और ट्रेन में ब्रेक लग जाएगा, ट्रेन वहीं खड़ी हो जाएगी। इसके अलावा ये वाला जो कंपार्टमेंट है इसमें दो सीटर है, ये देख सकते हैं आप, टू सीटर कूपी है ये। इसमें पहले इस तरह का एक जो है सॉकेट लगा होता था और इसमें देखिए दो सॉकेट लगाए गए हैं। साथ ही सीट में अगर आप बैठ जाते हैं सहयात्री को प्रॉब्लम नहीं हो अगर लाइट बंद कर देता है, तो ऐसे में हर सीट के लिए अलग से इस तरह का लाइटिंग देखिए दिया गया है, जिसको आप जला सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ट्रेन में बिहार के कई दृश्यों को लगाया गया है। ये देखिए आप बुद्धा स्मृति पार्क जो है उसकी तस्वीर देख रहे हैं यहाँ लगा हुआ, वहीं ये नालंदा विश्वविद्यालय के खंडर है जो आप देख रहे हैं इसमें। इसी तरह के कई पोस्टर्स आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा जो बिहार के संस्कृति या बिहार के पर्यटन स्थल को दर्शाता हो। ये छठ पूजा की तस्वीर है जो आप देख रहे हैं। तो देखा आपने, ये था फर्स्ट एसी इसका। हम आपको सेकंड एसी और थर्ड एसी लिए चल रहे हैं, उसको भी आपको दिखाते हैं। सेकंड एसी का कोच आप देख रहे हैं जिसमें आपको हम लिए चल रहे हैं। पहले से कुछ स्पेसियस लग रहा है, ये देखिए जो स्पेस है यहाँ कुछ ज़्यादा चौड़ा है और हर कंपार्टमेंट में इस तरह का डस्टबिन दिया गया है, जिसको आप इस तरह से ऐसे खोल सकते हैं और इसमें कचरा रखने के बाद जैसे छोड़ेंगे ये बंद हो जाएगा। एक नई चीज़ इसमें आपको पुराने राजधानी और इसमें डिफरेंस आपको मिलेगा। यात्रियों को ऊपर चढ़ने के लिए परेशानी नहीं हो उसके लिए देखिए मॉडर्न कुछ अलग, दूसरे ट्रेन से कुछ अलग जो है पायदान बनाया गया, जिसके जरिए आप ऊपर यहाँ ऊपर वाले सीट तक चढ़ सकते हैं। ठीक उसी तरह का इधर में भी है सेकेंड एसी में। और ये कंपार्टमेंट आप देख लीजिए, इस सीट को गिरा देने के बाद ये जो है चौड़ाई इसकी थोड़ी और बढ़ जाएगी। देखिए ये चौड़ाई थोड़ी बढ़ जाएगी और इसको जब आप बैठेंगे तो इसको आप ऐसे उठा सकते हैं, उठा करके इसको लॉक कर देंगे तो ये कुछ इस तरह से लॉक हो जाएगा। और दोनों सीट के बीच में ये देख लीजिए जो डस्टबिन रख, ये जो कैमरे लगे हैं, कैमरे का टेस्टिंग अभी हो रहा है कि लोग जो अंदर गेट से घुसते हैं तो उसकी तस्वीर उस पर आ रही है कि नहीं। हर बॉगी में हर गेट पर दो कैमरे लगे हैं। ये भी सेकेंड एसी कोच है, अभी इसमें भी हर सीट पर एक एक सॉकेट, देखिए नीचे दोनों सीट पर, ऊपर के दोनों सीट पर चार्जिंग सॉकेट दिया है गया। दोनों चारों सीट के लिए अलग अलग लाइटिंग देखिए उस दो कोने पर और नीचे के दोनों जगह लाइटिंग दी गई है। बोतल का होल्डर है इसके नीचे से, बोतल आप पानी के बोतल रख सकते हैं और उसी तरह से मैंने बताया था जैसे कि डस्टबिन है इसमें। इसमें सबसे बड़ी बात तो इसमें देखिए जो सीढ़ी ऊपर चढ़ने के लिए जो पायदान होता था उसके लिए देखिए एक दो तीन चार, चार पायदान अलग अलग जो है पाँच पाँच इंच का लगभग या छः इंच का इस पर बना है, ताकि आराम से ऊपर वाले जो यात्री हैं वो ऊपर तक जाने में कोई परेशानी नहीं हो, नीचे से सीढ़ियों के जरिए ये इस मिडिल पर या अपर बर्थ पर जा सके। इसके अलावा सेकेंड एसी के तर्ज पर इसमें भी देखते हैं डस्टबिन लगा है, जिसको आप पैर से दबाने के बाद ढक्कन खुलेगा और उसमें आप कूड़े कचरे डाल सकते हैं। जो सबसे बड़ा अंतर है ये, चलिए मैं आगे एक लोग हैं उनको बोलता हूँ, मैं अगर वो प्ले करके दिखा पाए। ऐसे जो दो सीट है ऊपर नीचे हो जाता तो इसको अगर आप गिरा लेंगे तो ये एक जो है बेड की तरफ से बन जाएगा और एक लेवल में आ जाएगा। ये अलग से एक नया बदलाव है इसमें, जैसे कि इसमें देख रहे हैं आप, ये इन्होंने लगा दिया और इसको जब आप यूज कर लेंगे तो फिर उसी तरह से आप उसी तरह से फिर से छोड़ेंगे तो वो फिर से वो सिंगल चेयर में बदल जाएगा, बैठ पाएंगे उसमें। तीन सीट है ऊपर नीचे, तीनों में अलग अलग लाइट्स हैं। ये देखिए तीनों में ऊपर वालों के लिए ऊपर लाइट है, बीच में मिडिल में लाइट है और यहाँ लाइट है। तीनों सीट के लिए अलग अलग चार्जिंग सॉकेट जो है ना लगाए गए हैं, ताकि जो अलग अलग बर्थ पर लोग होंगे उसको दिक्कत नहीं होगा। और जो चेन था अलार्म, चेन अलार्मिंग सिस्टम था, उसको पूरी तरह से मॉडर्न बना दिया गया इसमें, देख लीजिए टोटली अलग है। और हर कोच में जैसे उसमें बताया कि आपको फायर अलार्म लगा है, यहाँ में भी देखिए फायर अलार्मिंग सिस्टम इसमें लगा है, जैसे ही कहीं धुआं उठेगा तो ये अलार्म बजने लगेगा और गाड़ी में ब्रेक लग जाएगा, गाड़ी खड़ी हो जाएगी। साथ ही जीपीएस टेक्नोलॉजी से लेस है, तो हर बॉगी में थर्ड एसी के कोच में भी देखिए उधर में डिस्प्ले लगा हुआ, जिस पर जो है डिस्प्ले सिस्टम है वो पूरी तरह से जीपीएस टेक्नोलॉजी पर लेस है। उस पर आज का तारीख सबसे पहले दिख रहा है ऊपर में, उसके बाद जीरो किलोमीटर पर आवर क्योंकि गाड़ी खड़ी है, समय है 11:56 और राजेंद्र नगर टर्मिनल पर गाड़ी खड़ी है उसका सूचना आ रहा है। तेजस एक्सप्रेस को तैयार किया जा रहा है अभी और आज इस पर पहली बार बिहार के लोग पटना से नई दिल्ली के बीच यात्रा करेंगे और आप भी हमारे साथ होंगे। तो अगले वीडियो का आप इंतज़ार कीजिए और देखा आपने कि कितना बेहतर है ट्रेन, अब इसमें सुखद जर्नी का एहसास भी हम आपको करवाएंगे। और बदला क्या नहीं है इस ट्रेन में, तो वो सबसे बड़ा जो बदलाव नहीं हुआ वो भाड़ा नहीं बदला है। जो राजधानी एक्सप्रेस का भाड़ा था उसी फेयर में आप पटना से दिल्ली के बीच में तेजस की यात्रा कर पाएंगे। तो मिलते हैं फिर इस यात्रा के वीडियो के साथ।